जर्रा आगे हटे जर्रा आगे जर्रा हटो थोड़ा थोड़ा पैर बैठ जाता हूँ दुआ चाहते हैं। अगर हिदायत नहीं है तो सब देखा
कहते हैं ये अल्लाह हमें हिदायत दे, हमने किस दौलत दे, इसलिए कि दौलत बहुत खतरनाक चीज, दौलत बहुत खतरनाक चीज, दौलत ने न जाने कितने को फिरौन बना दिया, कारून बना दिया, सरदार बना दिया, दौलत क्या क्या बनाती। तो अगर दौलत है हिदायत नहीं तो ये दौलत नहायत खतरनाक चीज, लिहाजा हम खुदा की दौलत बाद में मानते हैं हिदायत पहले। हम खुदा से बेटी की दुआ सभी करते हैं, मगर यही बेटा अगर नाफरमान हुआ तो क्या क्या उम्मीद है आपने और उसका कितने बेटे थे, मगर यही आपकी दुश्मनी का बाइस हुआ, आपकी जिद्दत का बाइस हुआ, आपकी मेहनत तो इसने तबाह कर दिया। बेटा कितनी बड़ी जहमत है, इसीलिए बेटा मांगने वालों बेटा बाद में मांगो हिदायत पहले, और बाद में मांगो हिदायत पहले। इसके अगर हिदायत नहीं है तो सब चीज खतरनाक, हिदायत ही एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करें क्यों उसने हमें तौफीक, उसने हमें ताकत दिया और अपने घर में खर्च करने की तौफीक अदा की। तो हम सब उससे, और ये उसका एहसान है, एहसान उसका है जिसने अपनी अमानत को सही रास्ते लगाने को हमें सही था। और दूसरी बात और भी कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ना मस्जिद बना रहे, इसका फायदा किसको, मस्जिद बनाने का फायदा किसको, ये मौलाना शमसुद्दीन को कहता है देवबंदा की रहेंगे इसका सरासर फायदा है। घर की शांति की अपना घर बनवा रहा है और बनाने वाले का घर जन्नत बना, हालांकि हमने उसी की दी हुई दौलत से ये काम किया मगर उसका एहसान दिया, एहसान उसका ये देखो कि हमारा घर वहां बना। और लुत्फ की बात ये है कि अजीब दुनिया का तरीका ये है कि अगर कोई कहीं घर बनाना चाहता है तो वहीं बनता, किसी जगह नहीं बनता। अगर मैं होगली में कोई घर बनाऊं तो क्या उसकी सोचे बन जाए, अरे भाई दुनिया यहाँ को देगी इमारत वहाँ बनेगी। मगर ये अजीब जाते हैं रहमत है कि खुदा का घर हम यहाँ बनाते हैं दुनिया जन्नत से पढ़ते। और दूसरी बात ये है कि हम इन्हीं पत्थर ही तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी ताकत, मगर खुदा का कर्म को देखो, हम यहाँ इन पत्थर का घर बनाते हैं और वहाँ सोने चांदी का घर बनाते। दुख की बात यह है कि एक यूनिट से कभी कोई एक घर नहीं बना सका, एक यूनिट हम आपको देते हैं घर बनाने, मगर अगर इखलास के साथ एक यूनिट भी आप यहाँ रख देंगे तो वहाँ एक यूनिट नहीं मिलेगी, पूरा मकान मिलेगा। अब सवाल ये नहीं है कि मस्जिद आपको बनानी है, सवाल ये है कि जन्नत में घर बनाना है कि नहीं। अरे मामला ऐसा है कि कोई भी नहीं था, हमको तो वहाँ जाना ही नहीं, जब जाना है तो मकान बनाने, ऐसा तो कुछ नहीं। लिहाजा अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने किया, रब तबारक व तआला इसे कबूल और सबकी मफ़रत है।
उसकी बारगाह में आप दुआ करें, वो सबकी सुनेगा, वो नहीं सुनेगा तो भी सुनेगा। पहले दुआ क्यों सुनेंगे, क्या क्या की दे रहा। अच्छा, और आजजी का हाथ खुदा को इतना पसंद है कि आजजी के साथ आपने दस्ते दुआ उठाई, उधर रहकर मुझे के हो मतलब ये मांगने वाले ऐसी ऐसी बातें मांगते हैं जिनके मुकद्दर में रह गई, इनको पता नहीं कि क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला, इसलिए मांग लेते। यहाँ पर एक अजीब बात की तरफ जहन गया, वो मैं आपको बता दूँ। आप दुआ चाहते हैं खुदा की बारगाह में, ऐसी चीज भी मांगते हैं जो आपके मुकद्दर में नहीं, और ऐसी चीज भी मांगते हैं जो मुकद्दर में है। तो पहले इस पे कानूनी कुछ अल्फाज है वो न समझेंगे तो आप नहीं समझ सकते। एक चीज है कजाए मुकर्रम, इन्हें खुदा ने एक फैसला तकलीफ कर दिया उसके खिलाफ बोले, और कजाए मुकर्रम जो है, और एक चीज ऐसी है कि इल्मे इलाही में वो मुअल्लक है, फरिश्तों के सहीफों में मुकर्रम। तो उसको कज़ाए मुअल्लक कह दिया, और एक जो फरिश्तों के सहीफों में भी मुकर्रम नहीं, एक चीज ऐसी है कि जो होने वाली है ये फरिश्तों के सलीबों में भी है, इल्म-ए-इलाही में तो नहीं, और एक चीज ऐसी है जो फरिश्तों के सलीबों में तो नहीं है मगर इल्म-ए-इलाही में मौला। फरिश्ते ये समझते हैं ये मुकर्रम, फरिश्ते ये समझते हैं ये मुकर्रम, इल्म-ए-इलाही में मुअल्लक, इसे कहते हैं ये मुअल्लक जो मुशाबे मुकर्रम। तो वो कज़ाए मुकर्रम जो बुजुर्गों की दुआओं से टलती है वो वही है जो इल्म-ए-इलाही में तो मुअल्लक है तो फरिश्तों के सहीफे में मुकर्रम। यही वो तब्दील है जो बुजुर्गों की निगाहों से बदलती है कि जब मसला आया इस बात का कि हमने दुआ मांगी मगर जो हमने मांगा वो नहीं है, तो हमने समझा दुआ ना मकबूल। एक बात बताओ, कोई फकीर कोई भिखारी अगर किसी करीम के दरवाजे पर जाए तो हाथ उठा दे तो क्या वो मायूस करे? तो रब से बड़ा करीम को रब से बड़ा करीम, मगर जान लो वो करीम भी है अलीम भी। बात चीजें हम ऐसे मांगते हैं जो हमारे लिए खतरनाक, छोटे छोटे बच्चे को आप देखते हैं, छोटे बच्चे ना समझ अंगारे का सांप को पकड़ना चाहते हैं, बाप उसे छकड़ दे बच्चा लूटा, बच्चे की मुराद नहीं।
बाप के शरण में, तो बच्चे की मुराद पूरी है भी, तो क्या बाप रानी है? जिसमें हमारा नुकसान हो तो हमें नहीं देता, हमें नहीं देता। मगर एक बात है कि खाली हाथ भी नहीं छोड़ता। जब अंगारे की तरह बच्चे ने हाथ बढ़ाया था, बाप ने देखा, खींच लिया, हाथ में खिलौना पकड़ा दिया। देखा हाथ जो तुम्हारे बड़ी में नुकसान क्या कर, ये तो नुकसान देने वाली बात थी ना, कि नहीं दिया कुछ और पकड़ा दिया। और जो मुकद्दर में नहीं है अब रखी गली में गिर, तो आता रहा इसकी जवान एक वरिष्ठ होते वालों ऐसी चीज मान कर इसकी मुकदम में नहीं सोच रहा है ना, तो जमा करो अरे ये कब कम आएगा? कयामत में जब इसका नाम है अमल कमजोर होगा, जब इसको मदद की जरूरत होगी वो दुआएं जिसने हकी है वो उसके नाम अमाल में शामिल किया है। यानी खुदा की शान करीमी को देखो, अपने महबूब की हर हर उम्मती को बख्शना चाहता है, ये मिले क्या क्या तमन्नाएं लेके जाते हैं,
तो सारे मुसलमानों के गुरू को खुदा ने अपने वलियों की तरफ क्यों कर दिया? जब देने वाला हकीकी खुदा है तो अपने ही से कहता कि नीचे से मांगो, ये बुजुर्गों की तरफ क्यों? ये दिल खेल किसे दिया, बुजुर्गों की तरफ क्यों गए? और ऐसा खेला कि बुजुर्गों की तरफ तो बिना तकलीफ के मजहबों मिल सभी का दिल झुका हुआ, सुभान अल्लाह। और कितने ही लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्गों के यहाँ लोग ना जाए, मगर जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, बल्कि रोकने वाले भी रोकते रोकते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझे? ये बुजुर्गों की कभी मैदान है ये क्यों? इसमें क्या मसले है, क्या ही मुझे क्या है? कि अगर आप किसी वली की तरफ आपके दिल का रुझान ना हो और सिर्फ आप खुदा ही से मांगे और तय कर लें कि खुदा के सिवा किसी से नहीं मांगेंगे, ये तो बुरी बात तो है नहीं, बुरी बात नहीं। अब खुदा से आप वो चीज भी मांगे जो आपके मुकद्दर में नहीं, रो रो के मांगते, गिरिया बजारी करते, तड़प करते, दिल से मांगते हैं, आमोजारी करते, फिर भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? मुकद्दर में नहीं। इस कदर रोने धोने चिल्लाने चीखने के बावजूद रात को रो रहे हैं, दिन को रो रहे हैं, उसकी बात ना है। जब बात पूरी नहीं होती, अब शैतान को मौका मिला, अब आया, क्या जी इस खुदा को पुकार दे, या तो खुदा है नहीं वरना की सुनवा तुम मांगे, फिर भी तरस नहीं खाए, इतना हुआ है फिर भी बात नहीं मानी, तो या तो खुदा का तुम्हारा तस्वुर गलत है या है तो तुम्हारा जालिम है, बड़ा बेरहम है। बंदा इतना गिरता है सिद्धु से तरस के, हम किसी आम आदमी के साथ इतना गिरता है तो भी तरस खाए, ये कैसा खुदा है कि तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो और फिर भी वो नहीं सुनता? शैतान ने ये वसवसा दिया, आपने कबूल किया, काफिर हो। ये वसवसा हुआ, काफिर हो गए। अब चलिए वली की तरफ, किसी वली के पास गए, वहां भी आप गिड़गिड़ा रहे, वहां भी कुछ नहीं होने को समझा। मगर किस्सा ये है कि जब वहां से आप पलटेंगे तो क्या कहेंगे? हम सुना था बहुत बड़े बली हैं, आए नहीं, चोर करिए उसी जहां अलग नहीं है भी नहीं, फिर और चीज नहीं दिखा, पूरी जिंदगी वलियों के दरवाजे को तोड़ते निकल जाएंगे, चलो यहां नहीं वहां, यहां नहीं वहां, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप किसी खास वली की विलायत के मुमकिन होंगे और किसी खास वली की विलायत का मुमकिन काफिर नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैंने तबलीग को तकरीबन खत्म नहीं कर दिया, और आप जानते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसके बच्चे
काफी होते मालूम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ इस मेज़ में एक मेरा पोता एक मेरा नौस, ये इसको काम नहीं आएगा तो कब आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो मेरा पोता है उसको एक दूसरी खुशियत ये है कि वो मेरा उनका बंदा है, जिसको पगंदे आदोशी कहते हैं। बचपन ही में मैंने उसको अपना मुकबला बनाया था और अपनी अहलिया की अनुशिया का दूध पिलाया अय्याम के रमजान में, ताकि वो मेरी अहलिया का महरम सुभान अल्लाह। और उसकी सारी तालीम अपनी जितनी के थे वो मेरी निगरानी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक। इस सिलसिले में उसका काम ये रहा है, उसने शौक में कभी कमी नहीं। सुभान अल्लाह। बच्चे अगर शौकीन हो तो बात क्या कर ले। तो बस ये चंद बात मुझे करनी थी आपको, असल तकलीरें तो लोगों ने सुनी मेरे दिल।